मार्केट में एक नया फिरका आया है इल्मी और किताबी, जिसके बानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब हैं। इन्होंने अव्वलन जो अवाम को लॉलीपॉप दिया वो ये था, मैं किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन पहले वहाबी, शिया, देवबंदी एक एक नाम के साथ थे। इन्होंने नया फिरका इल्मी और किताबी लाया और दो नामों के साथ घुसाया, कुरान के गलत तराजिम और उसके शान नजूल के अंदर तहरीफ करते हुए अवाम को धोखा देने की भरपूर कोशिश की है और मुसलमानों पर शिर्क और कुफर का फतवा लगाया, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं। और वो पुकारते हैं ऐसी हस्तियों को अल्लाह के सिवा के जो ना उन्हें नुकसान दे सकती हैं और ना नफा दे सकती हैं। गायब में मदद के लिए पुकारना खालिसतन शिर्क है अल्लाह के अलावा किसी और को। बुतों की आयतें उठाकर माज अल्लाह मुसलमानों पर चिस्पा कर रहे हैं हजरत मिर्जा साहब के लिए सबसे पहला चैलेंज यह है कि ये हस्तियों वाला तर्जमा साबित करें। क्यामत तक ये साबित नहीं कर सकेंगे, ये हमारा इनके लिए चैलेंज है। बुखारी और मुस्लिम और दीगर सियासता के अंदर, बल्कि कुरान के अंदर ये इसके बकौल जो है ना वो शिर्क मौजूद है और मुसलमानों को रब शिर्क सिखा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, माज अल्लाह। इससे पहले ये जरा तसव्वुर करें कि अगर 50 नमाजें फर्ज होती तो मिर्जा साहब लोटा लेकर मस्जिद के दरवाजे पर बैठे होते, इनको कोई होश ना होती कि मैंने वीडियो बनानी है। सही बुखारी शरीफ है हजरत की, आपने बुखारी लगी हुई देखी होगी उर्दू तर्जमे वाली, कभी ये वाली बुखारी आप इनके पास देखेंगे ही नहीं। कोई जितनी भी इसकी वीडियोस हैं उसके अंदर मुझे ये वाली कोई बुखारी निकाल कर दिखा दे हजरत, मैं उससे अगली वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, रद भाई। और ये कहीं अरबी इबारत पढ़ रहा हो इस अंदाज से और इन किताबों की, तो हम फिर भी जो है ना वो अपना इमामा उतार के इसके कदमों में रख देंगे। हजरत हकीकी तर्जमान तो तुम हो, और जब कुरान अरबी में, हदीस अरबी में, जब सारा दीन अरबी के अंदर है तो हजरत को अरबी ही नहीं आती, मुझे बताओ कि दीन का तर्जुमान ये कैसे हुआ और इसको क्यों कर दीन का तर्जुमान कहा जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें।